बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सोबिया ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते सितारे। और आज नाज़रीन हमने सोचा कि विमेंस डे हमारा जैसे कि 8 मार्च को होता है, तो उसके हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम की थीम रखी है। और हमारी कोशिश है कि हम ऐसी ख्वातीन को पर्दा स्क्रीन पर लेकर आएँ और दिखाएँ कि जो कुछ काम कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है अपना नाम बनाना। लेकिन हम लोगों को खुशी ये भी होती है कि हम किसी भी फील्ड में देख लें तो औरतें हर जगह पर शाना बशाना अपने आप को मनवा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपनी गेस्ट को बुलाया है और हम आपको उनसे मुतारिफ करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट से। हैप्पी विमेंस इंटरनेशनल डे। नाज़रीन, आज हैप्पी विमेंस इंटरनेशनल डे के हवाले से हमने ख्वातीन को अपने प्रोग्राम में मधु किया है और हमारी ये कोशिश रही है हमेशा से कि हर इवेंट पे, हर ओकेजन पे हम जो है अपने नाज़रीन को कुछ ना कुछ अच्छा दिखाएं। आज भी हमने बहुत खूबसूरत दो ख्वातीन को अपने प्रोग्राम में मधु किया है और बहुत खूबसूरत चेहरे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने आप को अपनी फील्ड में मनवा रही हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि इस मुश्किल तरीन दौर में और वक्त में, इस सोसाइटी में अपने आप का नाम बनाना ख्वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन हर चीज़ मुमकिन ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती है। तो जी, मैं बात कर रही थी हमारे जो गेस्ट हैं, मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है शाज़ वहीद। शाज़ वहीद जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, प्रोडक्शंस में भी काम कर चुकी हैं, 2-3 गाने इन्होंने प्रोड्यूस करवाए हैं, उसके अलावा होस्टिंग भी कर चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रही हैं। और हम शाज़ से ही उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या कुछ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच बुलाने का आपका। कैसी हैं आप? फिर ठीक ठाक। एक गाना प्रोड्यूस किया एज अ प्रोड्यूसर, अभी दूसरा भी आप प्रोड्यूस कर रही हैं? बिल्कुल आने वाला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। नाज़रीन, और इनके साथ हमारे साथ बैठी हैं लैला हसन जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और उसके अलावा जो है बहुत कुछ स्किन के हवाले से वो कर रही हैं, क्योंकि आजकल ख्वातीन को खूबसूरत दिखने का शौक़ है और बल्कि मर्दों को भी है, तो इस सिलसिले में वो बहुत कुछ कर रही हैं। हम इनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने प्रोग्राम को अब आगे लेके चलते हैं और शायद मुझे ये बताइएगा विमेंस डे के हवाले से आप क्या कहेंगे। मैं तो पहले ये बोलूँगी कि हम सब ने ब्लैक पहना हुआ है। ब्लैक का क्या मतलब होता है कि हम सारी जितनी भी पॉजिटिव लाइट्स हैं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर हम लोग वो लोगों के ऊपर छोड़ते हैं एज अ हम जो भी काम कर रहे होंगे। तो यही बोलूँगी कि काम करते रहना चाहिए और बस डिटर्मिंड रहें और आगे बढ़ते रहें, औरतें खासतौर पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी कोई रुकना नहीं चाहिए। चाहे विमेंस डे है, चाहे फादर्स डे है, मदर्स डे है, हर डे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम अब लैला से भी पूछेंगे कि लैला, विमेंस डे के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी विमेंस डे, और दूसरा फीमेल्स का जो है मेरे ख़्याल में हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप के हाथ में हुनर है तो आप किसी भी आदमी को किसी भी एनवायरनमेंट में कम्पीट कर सकते हो, एंड दैट्स आर ओनली स्ट्रेंथ। तो लैला, आप मुझे ये बताइएगा, आपने एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, तो ये शोबा आपने कैसे चूज़ किया? या शौक़ था, या स्टडीज़ में था, या फिर शुरू से था कि ब्यूटी के हवाले से मैं कुछ ना कुछ करूँगी ख्वातीन को, क्योंकि आगे जाके ब्यूटी से ही क्यों शायद? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये, तो बहुत ज़रूरी बात है। मेरा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं छोटी थी तो उस वक्त भी मुझे पेंटिंग्स और इन चीज़ों का शौक़ था, और थोड़ा सा ये था कि स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, तो जब भी मैं चाहती थी कि मैं फ़ाइन आर्ट्स की तरफ जाऊँ या कुछ, तो एक पेरेंट्स का था कि एक टेक्निकल फील्ड ज़रूर लो, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ करो। तो जब मैं MBBS भी मैंने किया खैबर मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद भी जब मैंने ENT में ट्रेनिंग्स और वो की, तो सम हाउ आई वॉज मोर इनटू एस्थेटिक्स के इसका अगर चेहरा हम थोड़ा सा ही हो, तो मुझे एक शौक उससे भी हुआ। प्लस ड्राइंग, फाइन आर्ट से सारा एस्थेटिक्स जो होते हैं ना, उसके लिए आपकी एस्थेटिक सेंस होनी बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स हाउ ग्रेजुअली आई लर्न व्हाट आई वांटेड एंड दैट्स हाउ आई कंटिन्यूड। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी आप करना चाहते हैं फोकस होना चाहिए आपको अपने काम पे, और अपने काम में डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। शायद आप क्या कहेंगी प्रोडक्शन के हवाले से, कौन सा गाना आप नया प्रोड्यूस करने वाली हैं या क्या नया करने वाली हैं?
नया तो जी मैं गाना तो इंशाल्लाह मेरा आएगा, कोई अभी तो थोड़ा टाइम है इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ना ही सिंगर को ना ही सारी आपको पता है डिटेल्स, बट आजकल जो मैं काम कर रही हूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट उसके हवाले से मैं बोलूँगी कि एक हमने एक एक झुग्गियों को हम लोग सारा ठीक कर रहे हैं, उनको जॉब्स दिला रहे हैं, उनके लिए जो उनकी चीज़ें जो उनको रिक्वायर हैं वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि 300 तकरीबन बंदे हैं, बच्चे भी बीच में इंक्लूडेड हैं, वो कर रही हूँ और बस अल्लाह करे कि मैं और करती रहूँ। दैट्स इट, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए क्योंकि सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, चाहे एक हाथ से आप दे रहे हैं किसी को भी दे रहे हैं तो पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन काम होता रहना चाहिए और ये काम सिलसिला जो भी है ये आपका परवान चढ़ता है आगे जाकर, और अल्लाह आपको देख रहा है तो काम में आप ही आपके नसीब में ज़रूर आती है। अच्छा लैला, आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगी कि कुछ अपने बारे में बताइएगा, क्या आप कहाँ से ताल्लुक़ है आपका और कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, और उस हवाले से आपको कैसा लगता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, मैं नहीं कहती कि हर जगह होती है, कि कुछ कुछ जगहों पर है हमारे माशरे में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पठान हूँ, पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आपको पता है कि पठान जो हैं कुछ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ को अल्लाह, ये मैं कहूँगी कि लक भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो पेशावर से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आगे फिर मैंने पिम्प से अपनी हाउस जॉब की, आगे फिर मैंने एस्थेटिक कोर्सेज के लिए अमेरिकन बोर्ड ऑफ एस्थेटिक लेज़र से उनका डिप्लोमा करने के बाद आई वॉज बोर्ड सर्टिफाइड, और उसके बाद हमने पूरा एक पाकिस्तान के लिए एसोसिएशन उनकी जितनी भी प्रमोशंस है, जितनी भी दैट आई एम डूइंग फॉर देम, द ट्रेनिंग्स, द कोर्सेज, एवरीथिंग, एंड आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर फॉर अमेरिकन बोर्ड ऑफ लेज़र सर्जरी। उसमें हम ट्रेनिंग्स भी करा रहे होते हैं, उसमें हम आगे बच्चों को भी एक गाइडलाइन देते हैं कि वो कैसे इस फील्ड में आए। बिल्कुल डोमिनेंट सोसाइटी फॉर मेल्स इन अ वे है भी और नहीं भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं पठान हूँ, बट उसमें भी कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं, कुछ आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सो आपको ये अगर आपके हाथ में हुनर है ना, तो चाहे वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्यों ना हो, आप अपना रास्ता बना लेते हो। तो हमें भी वो स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि मोर देन 16 इयर्स एजुकेशन के होते हैं, इस काम में मेरे 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, एंड आई एम रनिंग माय ओन क्लिनिक और जी एस्थेटिक्स के नाम से है, उसी में हम मोस्टली जो है विद अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं, इट्स नॉट एन ओपन ओपीडी। तो अगर आप अपने काम पे फोकस्ड हैं सो वन कैन एक्सेल। मैं खैर डिटर्मिंड हो तो हर चीज़ हो सकती है, और जैसे आप पठान हैं, मैं पेशावर से हूँ, इनको स्पीकिंग, बट अगेन विच इज़ वेरी गुड कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, और शुक्र है सिर्फ तीन हैं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक पठान फैमिली से है, मेरा ताल्लुक यूसुफ जई फैमिली से है, लेकिन वी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम लोगों ना, अब तो मतलब आपको ऐसे लगता है कि मतलब अब ये काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, और अब आपको वो चीज़ फील नहीं होती है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मैंने बताया ना कि कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर आपको ऐसा फील नहीं होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज भी हो रही हैं, तब्दीली आ रही है हमारे मुल्क में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी तब्दीली लेकर आ रहे हैं। विमेंस डे के हवाले से हम ये भी कहेंगे कि ख्वातीन को हर वक्त जो है ना अपने काम को प्रमोट करते रहना चाहिए, और जो काम कर रही हैं उस पर फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होएगी, आप अपने काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो भी आपकी फील्ड है उसके हवाले से, तो लोग आपको ज़रूर उसमें आपको पजीराई हासिल होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही है, मैं एज अ फ्रीलांसर करती हूँ काम, और मैं आपको पता है मैं पाकिस्तान से बाहर होती हूँ, बट मैं हर साल आती हूँ और मैं किसी एम के साथ आती हूँ कि मैंने ज़रूर कुछ करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह और लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उनके लिए जैसे मैं फ़ंड रेजिंग करती हूँ, एक ऑर्फिनेज है उनके लिए भी करती हूँ, एक स्कूल है उनके लिए भी करती हूँ, वो स्पेशल स्कूल है बच्चों
का फाउंडेशन स्कूल है, हिना हसनैन चला रही हैं। तो बस ये सारे काम मिलके और बाकी जो अपना प्रोफेशन है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर वो भी साथ साथ। मुझे सॉरी टू कट यू, मुझे थोड़ा सा स्कूल के बारे में भी बताइएगा और कितने वहाँ पर बच्चे हैं और क्या मतलब क्या सिस्टम है वहाँ पर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। ये जी है केयर फॉर स्पेशल फाउंडेशन स्कूल है बच्चों का, स्पेशल बच्चों का, उसमें मेंटली रिटार्डेड हैं, डिसेबल्ड भी हैं और हिना हसनैन उसको चला रही हैं, IIT में हैं। और उसमें ना बहुत बहुत बेचारे गरीब घर से बच्चे हैं, एक घर से तीन तीन बच्चे हैं, तो उनको 5,000 उनका है स्पॉन्सर अगर आप करें तो उनकी स्कूलिंग निकलती है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली वो सीख रहे हैं, उनके जिम भी जा रहे हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जस्ट यू नो लाइक के वो थोड़े बिल्कुल ठीक रहें। तो अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ लाइक गोइंग सो फार। उसमें जी 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं और 10 के मेरे ख्याल 15 टीचर्स हैं जो देख रही हैं। और मैं आपको ऑर्फनेज का भी बता दूं, माई शेल्टर कुरंग रोड पे है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है बुशरा रफीक हैं, उसकी CEO हैं और वो भी उसमें 100 बच्चे हैं, लड़के हैं, और वो भी बायोलॉजिकल किसी के पेरेंट्स नहीं हैं इस तरह से हैं, बस वो भी स्कूलिंग है। उसकी जो एक स्पॉन्सर है बच्चे का वो 20,000 है, क्योंकि उनका रहना वहना खाना पीना स्कूलिंग सब कुछ है, क्योंकि वो ऑर्फनेज है। ये है जी। अरे वेरी नाइस। अच्छा, अब लैला की तरफ भी जाते हैं। लैला मुझे ये बताइएगा, जैसे कि बहुत मुश्किल वक्त भी बीच में आया, स्टिल अभी भी कई जगहों पर ये वक्त है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ जो कि पेंडेमिक एक हमारे माशरे में या हमारे सबको एक ओवरऑल ग्लोबली सबको फेस करना पड़ा, उसमें क्या आप लोगों का था, मतलब कैसे आप लोगों ने क्या सफ़र किया और क्या आप लोगों की उसमें प्रायोरिटीज़ थी? प्रायोरिटी वॉज सेफ्टी, कि आप जो भी पेशेंट ले रहे हो उसके साथ, क्योंकि हमारा जो होता था वन टू वन कॉन्टेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट, तो उसमें हमें सेफ्टी का सबसे बड़ा था। दूसरा, शुरू में आपको पता है वैक्सीनेशन नहीं थी, तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ता था कि किस वक्त एक कोविड की न्यू वेव आ रही है, उस वक्त आपने क्लिनिक्स को बंद रखना है, अपने क्लाइंट्स को टाइम से गैप के साथ लेना होता था। जैसे आप ओपन OPD नहीं कर सकते कि आपके क्लिनिक में रश हो या सो, इफ़ यू मेंटेन दैट जो पैरामीटर्स एक गवर्नमेंट ने भी रखे थे कि इतने मीटर्स के फासले से, तो हमने यही किया कि 1-to-1 रखा। सेकंड, एजुकेशन ऑफ पेशेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट नहीं उसके लिए अवेयर थे कि कोविड के बाद भी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन सबको वो गाइडेंस देना, मास्क के अपने आ रहे थे, रैशेज आ रहे हैं, ड्राई स्किन हो रही है, सैनिटाइजर यूज़ करके, तो सारा कुछ उनको एक पैम्फलेट पे लिख के उनको समझाना बहुत ज़रूरी था। एंड नाउ दे आर यूज टू, उनको पता है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कोई ट्रीटमेंट भी है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सो आई एजुकेट माई पेशेंट वेरी वेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेशेंट को एजुकेट करो, उनको उसकी केयर के साथ, उसकी आफ्टर एंड बिफोर कोविड भी आपकी जो जो प्रिकॉशंस है वो उनको ज़रूर बताएं। अच्छा, ये लगभग कितना टाइम लग जाता है, मतलब कोई भी स्किन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैंने सुना है कि कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो पील ऑफ होती है, उसमें स्किन डार्क हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिर उसमें लोग क्या करते हैं, और स्किन वो सन बर्निंग का भी होते हैं, इश्यूज होते हैं, आपने मतलब बारिश में भी नहीं निकलना, कुछ ऐसे भी सारे ये होते हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता बिकॉज स्किन के हवाले से यू नो बेटर, सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आई मीन लोगों का होता है अभी भी सन ब्लॉक, वो बगैर कुछ पूछे किसी भी जगह पे जाते हैं तो कॉस्मेटिक शॉप से ले लेते हैं सन ब्लॉक्स वगैरह और स्किन पे लगा लेते हैं, फिर वो धूप में निकल जाते हैं, तो उस में क्या करना चाहिए? जो सबसे आपने इम्पॉर्टेंट बताया ना सन का, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका 70% प्लस जो है एजिंग या हमारी जितनी भी स्किन डैमेज है वो सन एक्सपोजर से है। तो हमें बच्चों को और स्पेशली बच्चों में, क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं सो दे डोंट वेयर अ सन ब्लॉक, आप उनको उस वक्त से बताएं आपके बैग में हमेशा एक सन ब्लॉक होना चाहिए बच्चों के, और वो अपने ब्रेक आवर्स में उसको रीअप्लाई करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डैमेज है सन की वजह से वो 20 years से पहले हो चुका होता है, उसके बाद वो। सेकेंड, जब आप कहती हैं कि कोई ट्रीटमेंट करने से पहले, उसमें हम एक कंसल्टेशन करते हैं,
उसमें हम बता देते कि आपने 5 से 7 दिन पहले ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। लेट सपोज़ आप अगर बहुत डार्क पिगमेंटेड स्किन टोन के साथ पेशेंट आता है और वो लेज़र कराना चाहता है, तो हम उसको एकदम से लेज़र नहीं करने दे सकते। वी विल फर्स्ट पुट देम ऑन लाइटनिंग क्रीम्स, सन ब्लॉक्स। उसके बाद जब उनकी स्किन टोन लाइट हो जाएगी थोड़ी सी बेहतर, उसके बाद आप लेज़र लेस पैरामीटर्स पे स्टार्ट करते हो। और लेज़र के बाद भी बहुत ज़रूरी है उनको सन ब्लॉक का बताना। माइक्रो नीडलिंग, वही बात कि आप उस दिन नहीं कर सकते हैं कोई सा भी मेकअप करना या कुछ, और बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर है जिसमें डाउन टाइम आता है। सो यू हैव टू मेक देम मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर आपका कल का कोई फंक्शन है, आप लिप फिलर ना कराएं, आप कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपका स्वेलिंग होगी, जिसमें आपकी ब्रूसिंग हो सकती है, जिसमें आपका डाउन टाइम आ सकता है। सो अगेन वही एजुकेट करने की बात आती है कि आप पेशेंट को पूरा एक बताएं प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट। आपसे एक क्वेश्चन मैं कर लूँ, एक मुझे बताएं, आप ये जो हाइड्रा फेशियल है, ये कुछ लोग कहते हैं कराना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि मुझे ये पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, बट मैं चाहती हूँ आप भी बताएं। देखिए, हाइड्रा फेशियल्स भी दो किस्म के इस तरह हैं कि कुछ सैलून ओरिएंटेड हैं और कुछ मेडिकेटेड होते हैं, जो हमारे फिजिशियंस या एस्थेटिक फिजिशियंस या डर्मेटोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक्स पर रखते हैं। उसमें फ़र्क ये होता है कि आपके सीरम्स डिफरेंट होते हैं। हमारे पास ज़्यादातर मेडिकेटेड सीरम्स के साथ होता है, तो हम पहले स्किन को असेस करते हैं कि आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली है, उस या कॉम्बिनेशन है, उसके मुताबिक आपका सीरम सिलेक्ट होता है। उसके बाद आपके प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं, और डेड स्किन डेली आपके फेस पे बनती है। सो वंस इन अ मंथ यू शुड गो फॉर हाइड्रा फेशियल। क्लेंजिंग होती है, एक्ने भी कंट्रोल हो सकती है, और ओवरऑल वैसे भी आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्लैक हेड्स और ये चीज़ें, कील चाइयाँ जो हम कहते हैं, तो इस पर डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं, सीरम्स हर स्किन के मुताबिक होते हैं। इट्स रियली गुड, बल्कि हम तो स्पेशली, बिल्कुल हम स्पेशली कहते हैं कि आप कोई भी बड़े इवेंट से पहले 3-4 दिन पहले हाइड्रा फेशियल करा लिया करें, ताकि आपकी स्किन स्मूथ रहे, आपका मेकअप फ्लॉलेस रहे और क्रैक ना हो। सो देर आर थिंग्स जो कि आपकी स्किन की केयर करता है, सिर्फ आपने कैमोफ्लैज नहीं करना होता। वेरी नाइस जी, आपने स्किन के हवाले से भी बहुत सारी बातें सुनी हैं। अभी हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, आज इस्लामाबाद में इतना अच्छा मौसम भी है, और हम देख रहे हैं कि मौसम के साथ साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्च शुरू हो चुका है और मौसम ख़त्म भी हो रहा है, और मौसम अभी जाने को भी नहीं है, तो क्या कहेंगी आप इस मौसम के बारे में? मौसम है सुहाना, कहीं मत जाना, मुझे तो ये गाना नहीं आता। इस दफ़ा बड़ी अच्छी बात यह है कि मार्च हो गया, बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही और बहुत प्लेजेंट मौसम है, अल्लाह करे ऐसे ही रहे। नहीं, वैसे मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी अप्रैल तक तो ऐसा ही मौसम था, और वी आर लकी कि हमें अल्लाह ने 4 मौसम अता किए हैं। हम अपने मुल्क का जितना जितना शुक्र अदा करें कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्किन के हवाले से आप बताइएगा, बदलते मौसम में क्या, मतलब बंदे को अपनी स्किन के हवाले से क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, क्या उसको अपनी स्किन के लिए करते रहना चाहिए, या जैसे कहते हैं ना कि क्लेंजिंग रात को बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्लेंजिंग भी, और दूसरा ये है गर्मियों में आपको पता है स्किन ऑयली ज़्यादा होती है, इवन जो ड्राई स्किन के लोग हैं उनकी भी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको वेदर के हिसाब से ये होता है कि विंटर्स में ज़्यादातर आप ड्राई क्रीम्स जैसे मॉइस्चराइजिंग ये चीज़ आपकी बहुत, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं विंटर्स में शायद हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, सो वी हैव टू यूज़ अ गुड सन ब्लॉक, क्योंकि हार्श होता है, हार्श होता है सन ब्लॉक। आप ये कहती हैं कि सर्दियों में भी होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो सन एक्सपोजर वो उस वक्त बहुत हार्श उसकी एक आती है, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द समर्स। अच्छा, मैं जैसे कि आपसे पहले भी मैंने पूछा था कि जैसे कॉस्मेटिक्स शॉप्स पे, कॉस्मेटिक शॉप्स पे आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको सन ब्लॉक्स मिल रहे होते हैं, तो क्या आप वो प्रेफर करते हैं आप लोग? बिल्कुल, अगर
जो इस्तेमाल करने वाला है उसको पता है कि मैं मेरी स्किन ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन. तो आपके सनब्लॉक भी उसी तरह होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए. तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें. लेकिन बेस्ट ये है कि डॉक्टर से अगर आपकी स्किन के कोई एज सच इश्यूज नहीं है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो व्हाई नॉट. बट अगर स्किन में इश्यूज हैं देन विजिट योर डॉक्टर फर्स्ट. एंड व्हाट अबाउट हेयर ट्रीटमेंट? आई मीन लाइक आप स्किन का कहती हैं तो उसमें बालों का भी आ जाता है कि बालों की भी निगहदाश्त जो कहते हैं ना, मैंने बहुत अच्छा लफ्ज़ बोला है, निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली फॉर लेडीज़ रीज़न ये होता है कि बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं. फिर हम प्रेगनेंसी के एक अलग फेज से भी मैरिड जो गुजर रहे होते हैं. तो बालों की निगहदाश्त क्योंकि हमारा पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि मल्टी वाइटमिन नहीं यूज़ करते. आपको बाकायदा क्योंकि हमारी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा वो वेस्ट हो जाता है कुकिंग के दौरान, तो आपको मल्टी वाइटमिन यूज़ करने चाहिए और उसी में आपके हेयर नेल्स एंड स्किन के आते हैं. आपसे क्वेश्चन है कि विटामिन ई जो हम लोग फेस पे लगाते हैं, मैंने स्किन के ना बातें पूछने लगती नहीं है, टैलेंटेड डॉक्टर हैं तो हम वो मैंने सुना है बालों पे भी लगा सकते हैं विटामिन ई. देखें अगर आप एक डॉक्टर से कहेंगे ना वो बेसिकली आपको कहेंगे कि ट्राई टू ईट इट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट डायरेक्टली, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेशन हो सकती है. इट्स वेरी हाँ और बहुत कंसंट्रेटेड होता है. आपकी जो प्रोडक्ट पहले से उसके लिए बनी होती है वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के तौर पर, जब हम डायरेक्ट वो अप्लाई करते हैं तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ज़्यादा हो जाता है, डायल्यूट करने की ज़रूरत होती है. सो ट्राई टू हैव इट विद योर मी. अच्छा बहुत ज़्यादा हमने स्किन के हवाले से भी बात कर ली, कुछ आपसे भी पूछ लें कि आप क्या समझती हैं कि जो हमारे माशरे में जैसे आप बता रही हैं कि आजकल आप गरीबों के लिए जो झुग्गियों में रहते हैं लोग उनके लिए भी कुछ काम कर रही हैं, फलाह बहबूद के काम कर रही हैं, तो ऐसे कामों से बहुत सारे लोगों का भला भी हो सकता है, इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए अब जैसे मैंने एक झुग्गियों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो पकड़ा हुआ मींस कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि उनको, मुझे पता है कि उनके पास रोज़गार नहीं था, मैंने उन लोगों को ठेले ख़रीदवा के दिए, उनके किसी के पास उनके पास बेड्स नहीं थे वो दिए हैं, कपड़े उनको दिए हैं, जूते दिए हैं, तरपालें दिए हैं जो बारिश में बेचारे भीग रहे थे, और मतलब लाइक बच्चे भी हैं बहुत, और इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी मेडिकल एड की चीज़ें अब मैंने आगे देने लगी हूँ, और थोड़ा बहुत और जितना भी मैं कर सक रही हूँ एक उनकी थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं, मुझे लगता है अगर हम सब थोड़ा थोड़ा भी करें ना तो बहुत कुछ, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. अच्छा कोई प्रोग्राम हमारा जैसे कि अभी इख्तिताम पज़ीर होने ही वाला है, उससे पहले नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि हम किस जगह पर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप कुछ अपने देखने वाले नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो सुबह यही बोलूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें और जितना हो सके, अगर आप रोज़ मेरे ख़्याल 200 रुपये भी एक चैरिटी बॉक्स में डालें ना और एंड ऑफ द मंथ जितने भी हो जाते हैं ना किसी के लिए ऐसे बंदे को दें जो बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा तो यही सबको मैसेज होता है. थैंक यू. बिल्कुल उस के लिए एक है ना कि कतरा कतरा बने समंदर, तो हम सबको मिल के उस चैरिटी का एक हिस्सा बनना चाहिए. चैरिटी का हिस्सा भी बनना चाहिए. और हम यहाँ पर इस वक्त नाज़रीन बहुत अच्छा मौसम है जैसे कि आपको लग भी रहा होगा, क्यों शायद मौसम इतना ज़बरदस्त है और यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त हम हैं कबाब जी अल कुद्स, पैलेस्टीनियन कुजीन में हैं, और जो कि पैलेस्टीनियन जो साहब है नईल असद, इन्होंने इसको लॉन्च किया है और अभी इस्लामाबाद में ओपन हुआ है. जब भी आप लोग विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने मज़े मज़े के खाने बनते हैं. क्यों नईल, आप इस बारे में क्या कहें? हाउ आर यू डियर? ऑल गुड, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू डियर, थैंक यू. दिस इज़ आवर न्यू restaurant here. We are bringing all the culture of Palestinian cuisine and all the organic food here. I guess there is no Palestinian cuisine around here in Islamabad, so we just started and we are doing a soft opening, and inshallah everything will be open. So what is the speciality of this Palestinian cuisine? We are bringing our all organic food here to just make the people try our culture food and
and you know Palestine is always there and you know Pakistan they like Palestinian yeah, yeah. And we really love the food it's thank like, you dear thank yeah. you very much dear so no, we love the food we are trying the best to do the best for you guys you know? Okay that's good and do you enjoy Pakistani food also Yes, I do, but not too little much bit spicy. Yeah, I like it, but not too much spicy. No, but one of your sauce is very spicy. Yeah, yeah, we call it chata. This is very it's good. It's a very know. Special yeah, thing. Yeah, yeah, that's all. Yeah. Yeah, आप लोग जब इधर आएंगे इस्लामाबाद में तो आप लोग विजिट करेंगे नईल असद के पैलेस्टीनियन कुजीन में तो आप लोगों को बहुत मज़े मज़े के खाने मिलेंगे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस थैंक यू डियर थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज हमने वेमेंस डे जो है वो मनाया है पैलेस्टीनियन कुजीन में और बहुत हमने इंजॉय किया है मेरे साथ मेरी दोनों खूबसूरत ख्वातीन जो मेरी गेस्ट भी हैं आप लोगों ने इन सब के साथ भी बहुत इंजॉय किया होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल अल्लाह हाफिज़ थैंक यू अल्लाह हाफिज़